ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरिया जिले के पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मुलमुला के गौठान निरीक्षण करने पहुंचे छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास महाराज ने कहा, छत्तीसगढ़ शासन का महत्वाकांक्षी योजना गौठान योजना का संचालन हो रहा है। महिला समूह के महिलाओं के द्वारा बहुत अच्छा से संचालन किया जा रहा है, साथ ही गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से नाना प्रकार के उत्पाद भी इस गौठान में किया जा रहा है। गौठान में बने तालाब में मछली पालन किया जा रहा है, उसी तरह बाड़ी भी लगा हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार के सब्जी लगाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित जिला पंचायत उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिला महामंत्री नील सिंह यादव, मुलमुला सरपंच यशोदा महिलांगे सहित उपस्थित थे। विकास खंड पामगढ़ जिला जानकी चांपा का ग्राम पंचायत यह मुलमुला है, जहां छत्तीसगढ़ शासन का महत्वाकांक्षी योजना गौठान योजना का संचालन हो रहा है। महिला समूह के माता बहनियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से यहाँ संचालन किया जा रहा है। गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है और उसको बेचकर उसकी राशि भी इनके खाता में आ गया है। इसी प्रकार से नाना प्रकार के उत्पाद भी ये लोग इस गौठान के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ तालाब बना हुआ है जिसमें मछली पालन कार्य होता है, वैसी ही बाड़ी भी लगाए हैं। तो इधर जांजगीर जिले के जैजपुर क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। प्रार्थिया ने दहेज मांगने की शिकायत अपने ससुराल पक्ष पर लगाकर थाना में लिखित आवेदन किया। शिकायत में कहा गया है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही पति, सास, ससुर समेत सभी लोग उससे मारपीट करते थे। शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज किया गया। जाँच में टंडन परिवार से पूछताछ करने जब पुलिस उनके घर पहुंची तो आरोपी गण घर से फरार मिले। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर ग्राम कुटराबोर में दाबिश देकर आरोपियों को हिरासत में लिया गया और मामले की जांच की जा रही है। आज दिनांक से करीबन एक वर्ष पूर्व प्रार्थिया थाना जजयपुर में एक लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति, सास व ससुर सास के द्वारा जो है दहेज के नाम पर लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। की रिपोर्ट पर परिवार परामर्श केंद्र जांजगीर से काउंसलिंग कराया गया। काउंसलिंग के दौरान पाया गया कि वाकई दहेज के नाम से प्रताड़ित हो रही है, जिसका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। प्रतिवेदन प्राप्त होने बाद जजयपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। करीबन 4-6 माह से आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। प्रार्थिया के पति किशन टंडन, उसकी डेढ़ सास दशमा टंडन व उसकी सास समालिन टंडन को आज दिनांक 10/3/2022 को विधिवत। इधर दुर्ग जिले के जामुल नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर के घर में घुसकर देर रात बदमाशों ने उनके कार और बुलेट को आग के हवाले कर दिया। आग से कार जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है, वही बाइक की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। पालिका अध्यक्ष ने इसकी शिकायत जामुल थाने में की। जामुल पुलिस मामला दर्ज कर संदेहियों से पूछताछ कर रही है। पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर ने संदेह जताया है कि उन्होंने 2 दिन पहले सुरडुंग में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इसे लेकर उनका वहां कुछ लोगों से विरोध भी हुआ था, उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में ले लिया है, वही कुछ फरार है। भी दे दिया गया था 119 लोगों को, उसी के सिलसिले में कार्रवाई हो रही है। तो वो लड़के मेरे से अनाप शनाप बोलने लगे, यहाँ तक कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी और गोली मारने की धमकी दी। जो एक लड़का है कमलेश निषाद करके, मैं उनको समझाई देकर वहाँ से हटा दिया। तत्काल मैंने जामुल पुलिस थाना के प्रभारी को फोन करके बताया ऐसी ऐसी घटना है, और आशंका नहीं थी इतनी बड़ी दुर्घटना मेरे साथ मेरे घर वालों के साथ हो जाए। रात को हम लोग आराम से 11 बजे में 10 बजे जामुल से दो कार्यक्रम। तो इधर बस्तर के कोंडागांव जिले में ऐतिहासिक देवी मेला 7 वर्ष से हर वर्ष होलिका दहन से पहले लगातार चलता आ रहा है। परंपरा का निर्वहन गांव के आदिवासियों द्वारा लगातार निभाया जा रहा है, जिसे प्रशासन के साथ ही आज के जनता का भी साथ मिलता है। परंपरा के प्रतीक देवी मेले का आरंभ पूजा अर्चना के साथ हुई, जो 4 दिनों तक चलती रहेगी। इस मौके पर अपार जन समूह द्वारा भीगे चावल और पुष्प पंखुड़ियों की वर्षा के साथ देवी देवताओं की अगवानी पर परंपरा निभाई गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, विधायक पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक चंदन कश्यप ने भी मेले में शिरकत की।
तो इधर जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धारासी में एक नाबालिग लड़की ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका के भाई ने बताया कि उसकी बहन कक्षा 10वीं में पढ़ाई करती है। मंगलवार को सामाजिक विज्ञान का पेपर था, वही पेपर के दौरान नकल प्रकरण बनाया गया था जिससे वह बहुत परेशान थी। बुधवार को रोज की रात की तरह खाना खाने के बाद सब सो गए, वो भी सो गई, लेकिन रात 10 से 11 बजे के बाद मृतिका की बड़ी बहन ने उसे देखा कि उसकी बहन खाट पर नहीं है। उसने घर वालों को सूचित किया, फिर परिजनों ने नाबालिग को ढूंढा, छत के ऊपर जाकर देखा, तब तक लड़की ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था और उसकी मौत हो चुकी थी, जिसका सूचना घर वालों के द्वारा पामगढ़ थाने में की गई। पामगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रात को खाना खाने के बाद हम लोग सब सो गए थे, ये करीबन 10-11 बजे के बाद वो घर में बड़ी बहन उठी तो नहीं देख मतलब नहीं दिखाई दी, तो ढूंढे तब पता चला। क्या पता चला? कि ऊपर में वो आग लग गई है छत पर। ये धाराशिव में जो घटना हुई है उसके भाई ने यहाँ पे थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया है कि उसकी नाबालिग बहन कक्षा 10वीं की छात्रा थी जो 8 तारीख को सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने गई थी, उसका नकल का प्रकरण होने से दुखी हो गई थी, घर पे आके बताई थी और बुधवार दरमियानी रात वो घर के छत पे जाके मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। इसकी 100 पंचनामा कार्रवाई करके PM के लिए भेजा गया है और जो भी बिंदु है सभी बिंदुओं पे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।